मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास स्मारक का भूमि पूजन करने का सौभाग्य मिला। बुंदेलखंड का राजनीतिक अखाड़ा कहे जाने वाले सागर में जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आता जा रहा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सागर से दूर मकरोनिया के अंतिम छोर पर निवासरत भाजपा प्रत्याशी लता वानखेड़े को सागर के मध्य में पहुंचकर लोकप्रियता हासिल करना होगी। अकेले चुनाव कार्यालय और सीमित जनसंपर्क कर समोसे तलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि लगातार मेहनत करके भाजपा का बेड़ा पार करना होगा। ऐसा लगता है जैसे सागर में भाजपा अकेले लोकप्रिय विधायक शैलेंद्र जैन के भरोसे बैठी है, इसलिए अब सागर को छोड़कर प्रत्याशी ने सागर लोकसभा के तहत आने वाले दूर अंचलों के क्षेत्रों में जनसंपर्क की शुरुआत कर दी है। संगठन से जुड़े राजनीतिक जानकार और सलाहकार लोकसभा चुनाव में सागर के अंदर वो जमावट और सिस्टम नहीं बना पा रहे जो स्थानीय निकायों सहित विधानसभा चुनाव में नजर आता रहा है। जैसे जैसे जनसंपर्क का समय कम पड़ता जा रहा है, वैसे वैसे सागर में स्टार प्रचारकों की 2 से 5 सभाएं होना अब जरूरी हो गया है। बीते लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सभा कजलीवन मैदान पर उतर आई थी और फिर इस सभा के बाद कांग्रेस चारों खाने चित हो गई थी। इन 5 सालों में परिस्थितियां बदली हैं। कजलीवन से लगा सदर क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता के मामले में पिछड़ गया है। क्षेत्रीय विधायक के भरोसे भाजपा प्रत्याशी को भी पैर पसारने के लिए जगह नजर नहीं आ रही है। साथ ही एक घटनाक्रम के बाद स्थानीय विधायक की बयानबाजी ने एक विशेष वर्ग के लिए भाजपा से दूरी बनाने का काम किया है, जो कम से कम मौजूदा चुनाव के समय उचित नहीं था। सुर्खी सागर में कुछ हद तक प्रत्याशी को लेकर मेहनत तो हुई है, लेकिन भाजपा के लिए अभी भी और अधिक मेहनत की दरकार है, क्योंकि खासकर सागर में कांग्रेस प्रत्याशी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक को जिंदा करने के साथ जबरदस्त सेंध लगा रहे हैं। ठकरास का ठीकरा विजय पताखा का परचम लहराने में लगा है। एक विशेष वर्ग को साथ लेकर साधकर चलने की अद्भुत कला कांग्रेस प्रत्याशी राजा जी के व्यक्तित्व में नजर आ रही है, लेकिन राजा जी की चुनावी पृष्ठभूमि में घोषणा पत्र के वादे सहित बयानों की झनकार अभी लापता ही है, और यह झनकार शायद तभी नजर आएगी जब स्टार प्रचारकों की सभाएं सागर में उमड़ेंगी। जनसंपर्क का कारवां मतदान के पहले तक चलता रहेगा, लेकिन विजयश्री की आंधी बड़ी सभाओं से ही तय होगी और लोकसभा चुनाव का यही तकाजा निकलकर सामने आ रहा है।